नोटिस चिपकाया गया है। बिहार पुलिस के जो मुलाजम उत्थे पहुंचे ने पिछले चार पांच दिनों तो इंतजार उन्होंने किया जा रहा है और छेवें दिन जो है नोटिस चिपका दिया गया क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू इस नोटिस नु रिसीव करने के लिए नहीं आए ने, ना ही करता कोई होर फैमिली मैंबर पहुंच रहे हैं। चोन जाति की उलंघना के इल्जाम उन्होंने उत्ते ने। दरअसल मामला 2019 का है जदों नवजोत सिंह सिद्धू बिहार के कटिहार के पार्टी उम्मीदवार के हक के प्रचार करने के पहुंचे हुए सन और भाषण के वेले जिन्हों अल्फाजा का उन्होंने वालों इस्तेमाल किया गया उस चोन जाब्ते की उलंघना मनिया गया, जिस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी। जमानत भी मिल चुकी नवजोत सिंह सिद्धू ने लेकिन हुण जमानत का वक्त खत्म हो रहा है। इसलिए बिहार पुलिस के मुलाजम उत्थे पहुंचे ने पिछले छह दिनों तो जो इंतजार किया जा रहा है क्योंकि जो जमानत बॉन्ड है उससे साइन होने बहुत ज़्यादा जरूरी ने, इसलिए इंतजार किया जा रहा है लेकिन नोटिस रिसीव नहीं किया जा रहा है। तो फिलहाल जो है बिहार के पुलिस मुलाजमान के वालों नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर इस नोटिस को चिपका दिया गया। ये तस्वीर तुम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो, बिहार के पुलिस मुलाजम ने है जिन्हों के वालों नोटिस चिपका दिता गया है और इन्हों का कहना है कि पिछले कई दिनों तो बैठे ने नवजोत सिंह सिद्धू या फिर होर कोई फैमिली मैंबर ना तो घरों बाहर कोई निकलिया है ना ही नोटिस रिसीव किसी वालों किया गया है लेकिन इंतजार लगातार किया जा रहा है क्योंकि जरूरी दस्तावेज ने उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के साइन होने बहुत जरूरी ने लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू सामने नहीं आ रहे ने। लगातार छेवें दिन इंतजार करने तो बाद उन्होंने वालों घर के बाहर हुण नोटिस चिपका दिता गया। माननीय मंत्री महोदय सिद्धू महोदय मैं नवजोत सिद्धू को नोटिस तामला कराने के लिए आए थे, ठीक ना, 18 तारीख से यहाँ पर हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कटिहार जिला अंतर्गत बरसोई थाना सपना भाषण में कुछ सप्रिय बात बोले विपक्षी को जिस पर अच्छा नहीं लगा केस कर किया उसी केस के आरोप में नोटिस तामला के आदेश हुआ।